हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील फ्लिपकार्ट के एक्विजिशन के बारे में। एक्विजिशन मींस होता है मानो एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को निगल लिया। मींस अब जो भी बिजनेस डिसीजंस होंगे, जो भी मैनेजमेंट होगी, वो सब बड़ी कंपनी के हाथों में चली जाएगी। छोटी का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। वहीं मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं जिसमें दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट रहती है। फ्लिपकार्ट जो कि अमेजन के दो एम्प्लॉयज सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फाउंड की थी। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने IIT दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेजन कंपनी में काम किया। वहाँ काम करते करते इन्हें लगा कि क्यों ना हम भी अमेजन जैसी खुद की कंपनी बना लें। तो 2007 में उन्होंने फ्लिपकार्ट को फाउंड किया। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काम किया। तब इंडिया में लोगों को ऑनलाइन परचेज करने की इतनी हैबिट नहीं थी। ऑनलाइन पेमेंट करने से लोग हेजिटेट होते थे। तो एक नया ऑप्शन जो आज हर ई कॉमर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, कैश ऑन डिलीवरी, ये कंसेप्ट फ्लिपकार्ट ने ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इन्होंने ओनली बुक्स की ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटी ही दी, जिसकी डिलीवरी देने ये दोनों खुद भी जाते थे। सचिन और बिन्नी ने 4 लाख रुपीस लगाकर छोटे से रूम से फ्लिपकार्ट को स्टार्ट किया और इसके बिजनेस को एक्सपेंड किया। इन्होंने अदर कंपनीज को भी एक्वायर किया, लाइक myntra.com, jabong.com और फोनपे। इनकी मार्केट रीच तो अच्छी है, बट करंटली फ्लिपकार्ट लॉस में चल रही है। और फाइनली 9 मई 2018 को इन्होंने फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक $600 करोड़ में वॉलमार्ट को सेल कर दिया। वॉलमार्ट जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, ये वर्ल्ड वाइड रिटेल स्टोर्स में ऑलरेडी छाई हुई है। इंडिया में इसके 21 कैश एंड कैरी स्टोर्स हैं। कैश एंड कैरी स्टोर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड सेल नहीं कर सकते, ये होलसेलर या टारगेटेड प्रोफेशनल्स को ही सेल करते हैं, लाइक होटल्स, कैटरर्स। 31 जनवरी 2018 तक इसके 11,700 स्टोर्स हो चुके थे जो कि 28 कंट्रीज में फैले हुए हैं। वॉलमार्ट बहुत पहले से ही इंडिया को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। इसने पहले भी इंडिया में एंटर करने की कोशिश की है और लास्ट 20 ईयर्स से इंडिया में कैश एंड कैरी स्टोर्स में डील कर रही है। अब इसे फ्लिपकार्ट को एक्वायर करके रिटेल में एंटर करने का मौका मिल गया है। इस एक्विजिशन का एक रीजन वॉलमार्ट और अमेजन का कंपटीशन भी है। वॉलमार्ट तो रिटेल सेक्टर में जॉइंट है ही, अब अमेजन भी रिटेल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, लाइक शॉपर शॉप के साथ, और रिलायंस रिटेल से भी अभी बात चल रही है। वॉलमार्ट का इंडियन रिटेल मार्केट में एग्जिस्टेंस ही नहीं था, इसलिए इसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया। बट इंडियन बिजनेसमैन इसकी एंट्री नहीं चाहते। इनका मानना है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इन्हें डर है कि इसकी एंट्री से छोटे छोटे बिजनेस जो हैं उनका राशन पानी बंद हो जाएगा। और इसी डर से गवर्नमेंट ने भी रिटेल में 100% FDI अलाउ नहीं किया है, और ना ही कोई फॉरेन कंपनी मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स ओपन कर सकती है। इस डील के बाद क्या होगा कि वॉलमार्ट और अमेजन के बीच कंपटीशन रहेगा, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर का फायदा है। और अब से फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब ये ग्लोबली डील करने लगेगी। बट कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है कि इस डील से इंडिया का लॉस है, क्योंकि इस डील की वजह से इंडिया का पैसा फॉरेन जाएगा। आप लोगों में से जिन्हें इकोनॉमिक्स की नॉलेज है वो नीचे कमेंट करके बताएं कि इससे कंट्री को बेनिफिट होगा या लॉस। तो अब हुआ क्या कि इस एक्विजिशन से फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल ने तो एग्जिट ले लिया, और बचा हुआ शेयर जो है वो बिन्नी बंसल, टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड, टाइगर ग्लोबल लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ये माना जा रहा है कि वॉलमार्ट सप्लाई चेन बनाने के लिए 5 to 6 million किराना स्टोर्स के साथ टाई अप करेगी। इससे न्यू टेक्नोलॉजी आएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे अल्टीमेटली इंडिया को बेनिफिट होगा या लॉस। इस वीडियो में हमने फ्लिपकार्ट के एक्विजिशन के बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।